वर्ल्ड कप में है भारत पाकिस्तान का महासंग्राम। हिंदुस्तान से फिर हारेगा पाकिस्तान। मैनचेस्टर में महाजीत की है पूरी तैयारी। जारी रहेगी हिंदुस्तान की जीत से याद। हिंदुस्तानी शेरों की दहाड़ सुनकर दहल जाएगा पाकिस्तान। विराट के वीरों का जोश देखकर दंग रह जाएगा पाकिस्तान। फेल हो जाएगा पाकिस्तान का हर प्लान। हिंदुस्तान मनाएगा महाजीत का महाजश्न। जीतेगा हिंदुस्तान, फिर पिटेगा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और हम बात कर रहे हैं कल होने वाले भारत पाक महामुकाबले की, जिसके बारे में यही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान से फिर हारेगा पाकिस्तान, क्योंकि मैनचेस्टर में टीम इंडिया की महाजीत की है पूरी तैयारी। और न सिर्फ महाजीत की पूरी तैयारी है, बल्कि फैंस ने तो जश्न मनाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। बल्कि ये कहें कि जश्न का दौर शुरू हो चुका है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और एस श्रीचंद, और साथ ही साथ दामिनी और सोनल हमारी सहयोगी और क्रिकेट क्रेजी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरह से राय है, किन खिलाड़ियों पर पैनी नज़र है, ये बताएंगी। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी किस तरह से हुंकार भर दी है। और विराट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ न्यूज़ नेशन संवाददाता रवीश बिस्ट भी मौजूद थे। आपको सुनाते हैं, रवीश बिस्ट ने जब कोहली से सवाल किया तो उस पर विराट का जवाब क्या था। हाय विराट, रवीश है। विराट, मैच वैसे इंडिया पाकिस्तान का है, लेकिन सबकी नजर आपके और आमिर के कॉन्टेस्ट पे भी रहती है, और आमिर ने वापसी बड़ी जबरदस्त की है, 5 विकेट फॉल भी लिया, तो ये कॉन्टेस्ट आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब फाइनल मुकाबला हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, कह सकते हैं कि वो विनर थे। देखिए, मैं ना तो यहाँ पे आके कुछ TRP के लिए बोलना चाहता हूँ, ना मैं यहाँ पे आके कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे लिए, आप भले माने या ना माने, मेरे लिए कोई भी सामने बॉलर हो, मुझे सिर्फ वो वाइट बॉल या रेड बॉल दिखती है। और एक जो बॉलर का स्किल सेट है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने साउथ अफ्रीका मैच से पहले रबाडा के बारे में भी बोला, जो अगर अच्छे बॉलर्स हैं, जो इम्पैक्ट बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, हमको हमेशा उनकी स्ट्रेंथ्स पे आपको हमेशा वेरी रहना चाहिए कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन आपको वहाँ जाके अपनी एबिलिटी में इतना बिलीफ होना चाहिए कि आप किसी भी बॉलर के अगेंस्ट वहाँ पे जाके रन बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अच्छे रन बनाऊंगा और वो विकेट लेंगे तो मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। बाकी के 10 लोगों को भी साथ में अच्छा खेलना पड़ेगा दोनों टीमों की तरफ से रिजल्ट बनाने के लिए। तो मेरे लिए, मेरे माइंड में किसी के साथ कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ना मैं किसी से कोई कॉम्पिटिशन रखता हूँ, और ना मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि मुझे यू नो दुनिया को जाके ये कॉम्पिटिशन जीत के दिखाना है, या वो सब बाहर की बातें हैं, और उस पर मतलब ये तो चीज़ें हमारे दिमाग में आती भी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल एंटरटेन ना कभी किया है और ना कभी करूंगा। आप जिसके अगेंस्ट भी खेलें, आप पार्ट टाइमर बॉलर के अगेंस्ट भी अगर आप खराब खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। और मेरे लिए गेम इतनी सिंपल है और मैं इतनी बेसिक रख के खेलता हूँ। चलिए, तो विराट कोहली ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, उनकी तैयारी पूरी है। और ये भी कह रहे हैं कि वो हर गेंदबाज को बहुत सीरियसली लेते हैं, सिर्फ मोहम्मद आमिर की ही बात क्यों करें। रवीश बिस्ट हमारे संवाददाता मैनचेस्टर से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। रवीश, आपने सवाल किया तो जवाब यहाँ पर थोड़े से अटपटे अंदाज में यहाँ पर विराट ने दिया कि TRP के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह से उनकी बात आगे बढ़ी, साफ है कि पूरी टीम जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से हर खिलाड़ी को गंभीरता से लेने की यहाँ पर तैयारी है, यानी जीत, और इसको एक अलग मुकाबले के तौर पर ही देखेंगे। जी हाँ, देखिए, विराट कोहली की अगर बात सुनेंगे तो उनका कहने का मतलब यही है कि वो नहीं चाहते कि दो खिलाड़ियों के बीच में सेंटर स्टेज आए। हालांकि देखिए, ओवरऑल अगर उठा के देखें क्रिकेट की हिस्ट्री को, तो हमेशा से कॉन्टेस्ट रहता है, चाहे इंडिया वेस्ट इंडीज़ के लिए तो सचिन वर्सेज लारा, ये तो हाइप होती है मैदान के बाहर। अब खिलाड़ी उसको नहीं बोलना चाहेगा शायद, उनको लग रहा है कि नहीं, फोकस जो है वो इंडिया पाकिस्तान पे ही रहना चाहिए, मोहम्मद आमिर और विराट पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन दिल में उनके ज़रूर होगा। देखिए, विराट कोहली को मैं Under-19 डेज से जानता हूँ, दिल में उनके ज़रूर होगा कि मोहम्मद आमिर को बताना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बैक टू बैक 2 गेंदों पे आउट किया था उन्होंने विराट कोहली को। तो ये शायद टाइम के साथ मैच्योरिटी है, एज ए कैप्टन कह सकते हैं कि कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप थोड़ा दिखा रहे हैं कि नहीं अभी यहाँ पे नहीं बोलना है, बल्ले से ही जवाब दूंगा। फिलहाल जो मेन चीज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही, वो यही रही कि उन्होंने कहा कि शिखर धवन जैसा बल्लेबाज वो टीम के साथ नहीं है, शायद उनकी कमी खल सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के पास। लेकिन जो अपडेट मैं दे दूं, वो अपडेट मौसम के लिहाज से, और वो अपडेट शायद आपकी धड़कनें बढ़ा सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है इस वक्त। देखिए, मैनचेस्टर के अगर मैं हालात दिखाने की कोशिश करूं, बहुत तेज़ यहां पे बारिश हो रही है, ये ड्रिजल नहीं है, ये बारिश है, और ये जो बारिश है काफ़ी देर से हो रही है यहां पर।
करीब 15-20 मिनट हो गए तब से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज बारिश जो है। और अगर स्टेडियम की भी बात करें तो पिच है और उसके आसपास का जो एरिया है उस पर कवर्स लगाए गए, लेकिन जो आउटफील्ड है वो पूरा कवर नहीं है। ये सवाल भी उठ रहे हैं आईसीसी के, पूरा मैदान क्यों नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन वो एरिया जो रेक्टेंगुलर होता है वही सिर्फ कवर है। तो अभी हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तेज बारिश हो रही है, ये ड्रिजल नहीं है, ये बारिश है और कल भी फोकास यही है कि बारिश होगी। बिल्कुल रवीश, जो ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि जब 3-4 घंटे पहले आपसे दो बार जब बात हुई थी, न्यूज़ नेशन से बात हुई थी, तो उस वक्त जो है वो धूप खिली हुई थी। कल की किस तरह की भविष्यवाणी है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच धुल गया, तो अब यहाँ पर तो अगर मैच नहीं होगा तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए धूप नहीं खिली हुई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, इनफैक्ट ओवरकास्ट कंडीशन तब भी थी। जब से हम मैनचेस्टर में आए हैं धूप नहीं है यहाँ पर, या इंग्लैंड में ही कह सकते हैं कि धूप के दर्शन इस बार नहीं हुए हैं इस ट्रिप में, वर्ल्ड कप की ट्रिप में। बारिश रही है या ओवरकास्ट कंडीशन रही है, लेकिन हाँ उस वक्त जब इंडिया ट्रेनिंग कर रही थी तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 15-20 मिनट से बारिश हो गई है। लेकिन हमें पता था यहाँ पे कि जैसे ओवरकास्ट कंडीशन है, काले बादल स्टेडियम के ऊपर लगे हुए थे, तो ये तो पता था कि थोड़ी देर के बाद या कभी बारिश हो सकती है। और कल का भी वेदर फोरकास्ट यही कहता है कि 50-60% चांसेस है रेन के। अगर मैं लोकल मैट की बात करूं तो उन्होंने कहा, देखिए मैच लोकल टाइम है यहाँ पे 10:30 बजे, उस समय शुरू होगा 10 बजे रेन की प्रिडिक्शन है, और उसके बाद 3 बजे हैवी रेन की प्रिडिक्शन है। इस मुकाबले में बारिश खलल जरूर डालेगी भारत पाकिस्तान मैच में, बस मैच हो जाए, चाहे 30 ओवर हो 20 ओवर हो, ये सब कम से कम यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई पड़े। सुशांत, बहुत समय से इंतजार भारतीय फैंस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंतजार करते करते पूरा वक्त निकल गया, एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी, और अब मैनचेस्टर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। मगर हम सब यही दुआ करेंगे कि पूरी क्रिकेट नेशन यही दुआ करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की मैच हो, कि सिर्फ वर्ल्ड कप में हमें मौका मिलता है पाकिस्तान को हराने के लिए, क्योंकि बाकी सब जगह पे हम वैसे इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं होते। तो पाकिस्तान भी यही दुआ मांग रहे होंगे कि बारिश हो, मगर वो दुआ नहीं मान सकता क्योंकि उनको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ उनको बचा सकता है, सिर्फ बारिश ही पाकिस्तान को बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता, कोई ना कोई मोहम्मद आमिर जैसे। विराट ने बहुत सही बोला, मैं एक अच्छी बात बोलना चाहूँगा विराट के बारे में, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट ऐसे स्कॉर्पियन है वो, स्टार साइन भी बहुत रिवेंजफुल वगैरह है, मगर उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत मैच्योरिटी के साथ आंसर दिया, पॉलिटिकली राइट भी बोला, बट यस रवीश ने बहुत सही बोला, यस दिमाग में होगा, उन्होंने उन्होंने सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी कि उन्होंने पूरी टीम, पूरी 10 प्लेयर्स, नॉट सिर्फ हमारी टीम, उनके टीम के 10 प्लेयर्स को भी रेस्पेक्ट दिया, वो बहुत बहुत बड़ी बात है, तो उसका मैं दाद देता हूँ। उससे पता चलता है कि मैच्योर हो गए हैं विराट कोहली। क्या मुकाबले में आपको लगता है जो हाई वोल्टेज पहले पूरा मुकाबला चलता था, इस वक्त वैसा कुछ नजर नहीं आएगा? वैसे भी बारिश ने तो आधा रोमांच कम कर दिया। नहीं देखिए, जहां तक मैच का सवाल है, हाई वोल्टेज मैच होगा, जितना भी मैच होगा, अगर बारिश होती रही तो एक चीज छोटी सी कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की टीम बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन परफॉर्मेंसेस देखें तो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान की टीम। ऐसे में क्या होता है, जो टीम कमजोर लग रही होती है ऑन पेपर, जितना मैच छोटा होता चला जाता है वो गेम में आ जाता है, वो कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 50 ओवर का पूरा मैच हो तो मुझे डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम 70%, बल्कि मैं कहूँगा 75% ये मैच जीतेगी पाकिस्तान की टीम से। लेकिन जितना मैच छोटा होता चला जाएगा, अगर 30 ओवर का होता है, 20 ओवर का होता है, तो फिर पाकिस्तान के भी उतने ही चांसेस। मुकाबला बराबरी का हो सकता है, आपको भी दामिनी लगता है कि वो पूरे 50 ओवर के ही हो, पूरा मैच होकर? हाँ, कल पूरा मैच मैं चाहती हूँ कि कल हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कौन नहीं देखना चाहता। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह मतलब इस मैच में 50-50 तो होना ही चाहिए। और मनी सर, मैं पूछना चाहूँगी, अगर विराट कोहली की मेच्योरिटी की बात चल रही है, तो दोनों टीमों के कैप्टनसी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, विराट कोहली और सरफराज में? देखिए, जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है, विराट कोहली तो लीड बाय एग्जांपल जिसे कहते हैं, वो करते हैं, उनके बैट से ऐसे रन्स आते हैं, जब वो चेस करते हुए रन्स बना के इंडिया की टीम को मैचेस जिताते हैं, उससे पता चल जाता है कि टीम के ऊपर इसका कितना असर होता है। सो विराट कोहली ने एग्जांपल सेट किए हैं अपनी टीम के लिए। जहां तक पाकिस्तान के कैप्टन का सवाल है, उनका कुछ प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा, एक मैच में बनाते हैं फिर 7-8 मैच उनके ऐसे ही निकल जाते हैं, और ऐसे में कैप्टन की जब रिस्पेक्ट इतनी नहीं रहती तो टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी उतनी नहीं आती। सो इसी वजह से इंडिया की टीम की अगर आप देखें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है
है पाकिस्तान की। बिल्कुल सोनल, आपको इसलिए भी नहीं लगता कि इंडिया के जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कप्तान खुद आगे बढ़कर लीड करता है, खुद बल्ले से रन बरसाता है? बिल्कुल वही करुण सर, मैं भी वही दिमाग में मेरे ख्याल आ रहा था कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया हार गई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं वही सोचती कि विराट के दिमाग में वही एक रिवेंज एक होगा जोश। मैं वही महेंद्र सर से पूछने वाली थी कि सर क्या लगता है कि विराट के दिमाग में अभी भी वो एक सवाल होगा, एक वो जोश, एक वो उम्मीद होगी कि हमें उसका बदला लेना है? देखिए हिसाब बराबर करने का तो रहता ही है, आप अगर श्रीशांत से भी पूछ सकते हैं अगर इनको किसी बैट्समैन ने इनकी पिटाई की हो क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था जब अगली बार उनसे मुकाबला होता था तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आते थे, बल्कि ज़्यादा होमवर्क के साथ आते थे। अमूमन कहते हैं कि आपने जो जो अपने करियर में अच्छा किया है या आपके जो अच्छे अच्छे मैचेस घटे हैं आप उसको सोचें जब आप आगे बढ़े, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कभी कभी अगर कुछ गलत भी हुआ है, अगर कोई रिजल्ट आपके अगेंस्ट भी गया है, उसको भी जहन में रखना बहुत जरूरी है मोर देन 100% देने। साँच को आज क्या श्रीसन से पूछ ही लेते हैं, ऐसे जब मामले आते हैं, ऐसा लम्हा आता है तो फिर किस तरह का रिएक्शन होता है? सबसे लेजेंड हमारा भगवान जो क्रिकेट का है सचिन पाजी से, पाजी का ही करियर देखो, जो ओलंगो को जो क्रिकेट करियर ही बंद कर दिया था, अभी वो गाना गाते हैं इंग्लैंड में वॉइस में वो आया था तो वो बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशन हुआ। बट सचिन पाजी को देखो वो बोलते नहीं थे, एंड एंड्रयू कैडिक को जो वर्ल्ड कप में बाहर भेजा था, तो शोएब अख्तर को बिल्कुल बिल्कुल ये तो, बोलते नहीं है क्योंकि बल्ला बोलता है इनका परफॉर्मेंस का, जो अभी जो नया ऐड चल रहा है वही चल रहा है बल्ला बोलेगा, बिल्कुल बल्ला बोलेगा और हिंदुस्तान से फिर हारेगा पाकिस्तान क्योंकि मैनचेस्टर में टीम इंडिया की महाजीत की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान लेगा पाकिस्तान से बदला, पाकिस्तान पर होगा हिंद का हमला, विराट के वीर मचाएंगे पाकिस्तान में खलबली, मैनचेस्टर में टीम इंडिया बनेगी बाहुबली, पाक को पीटेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, हिंदुस्तान का जोश हाई है। भारत और पाकिस्तान का महासंग्राम मैनचेस्टर में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें टीम इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 7वीं बार हराने उतरेगी क्योंकि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम इससे पहले खेले सभी 6 मौकों पर पाकिस्तान को पस्त कर चुकी है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक अजेय है हिंदुस्तान। साल 2015 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से हराया था जिसमें विराट कोहली ने शानदार पारी खेलते हुए 107 रन बनाए थे। तो मैनचेस्टर में महामुकाबला है और महामुकाबले में कैसे कोहली पाकिस्तान को पस्त करेंगे, सुनिए खुद भारतीय कप्तान विराट कोहली की जुबानी। जी प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे अगर आप फोकस रखें तो आप जिस मैच में अच्छा खेलेंगे वो मैच आप जीतेंगे। आप किसी भी टीम के अगेंस्ट हों, अगर आप उनको जानते भी हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी जानते हैं, अगर आप फिर भी उसको अच्छे से टैकल ना करें तो जीतने के चांसेस कम होते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि बेसिक्स तो क्रिकेट में हमेशा रहेंगे, चाहे आप किसी की गेम से फेमिलियर हों या ना हो, एक कवर ड्राइव एक कवर ड्राइव, एक अच्छी बॉल एक अच्छी बॉल है, तो हमारा फोकस वो बेसिक्स पे रहता है हमेशा क्योंकि उससे हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज और बढ़ती जाती हैं। और अगर 11 लोग एक साथ फोकस परफॉर्मेंस देंगे तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी टीम को आप हरा सकते हैं, और अगर आप उस दिन पे अच्छा नहीं खेलेंगे तो ये स्पोर्ट ऐसा है कि दूसरी टीम भी जीत सकती है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करें और एक गेम को गेम की तरीके से खेलें और जो बेसिक्स हैं उन पर फोकस करें, अपनी जो अटेंशन है वो बिल्कुल प्रिसाइज रखें। तो देखा आपने किस तरह से तैयारी की है विराट कोहली ने। एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता रवीश मिश्र का जो मैनचेस्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, यहाँ पर विराट कोहली का साफ कहना था कि एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह सभी 11 खिलाड़ी खेलेंगे, अपने बेसिक्स पर ध्यान देंगे तो जीत से कोई नहीं रोक सकता, सामने चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई दूसरी टीम। जी हाँ, देखिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें गई विराट कोहली ने और ये उनका एक एक्सपेक्ट था कि अगर आपको कोई गेम जीतना है तो वो एक टीम वर्क है, बेसिकली फोकस टीम वर्क पर उनका था कि इंडिविजुअल पे ना जाएं और सारे जो 11 खिलाड़ी हैं उनको बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पे देना पड़ेगा। विराट कोहली का अगर कोई कैच भी पकड़ता है, कोई रनआउट भी करता है तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जो टीम बेहतर होती है वो जीत सकती है। मैं बस 2 पॉइंट यहाँ पे करूँ कहना चाहूँगा कि इंडिया हमें पता है कि लोकेश राहुल से ओपन कराएगा, यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ नंबर 4 की पोजीशन विजय शंकर के लिए रहेगी और कंडीशन शायद ऐसी रहे कि मोहम्मद शमी को भी चांस मिल जाए।
पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर यह बात चल रही है कि भारत को जो है वो पेस से चौंकाया जाए, और हसनैन एक ऐसे बॉलर है उनके पास जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि वो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर उनको यूज करें, या तो शाहीन शाह अफरीदी को बिठाएं या शादाब खान को प्लेइंग 11 से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबके साथ जो है वो यहाँ पर विराट कोहली ने रणनीति बना ली है। रवीश आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्री, जिस तरह से रवीश यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि तमाम रणनीति यहाँ पर विराट कोहली ने बनाई है, चाहे बारिश की बात हो या फिर सभी खिलाड़ियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखते हुए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्योंकि जैसे विराट ने अभी बात किया, सबसे बेस्ट उनको देखते ही पता चलता है कि वो बहुत फोकस्ड है और पूरे टीम वेट कर रहे हैं मैच के लिए और बहुत बहुत उम्मीदें लेके खेलेंगे। और सिर्फ इतना ही कि बारिश ना होना चाहिए, और जैसे उन्होंने भी बोला, हर प्लेयर को अगर एक एक करके देखे तो कोई कंपटीशन नहीं है। और जितना मैच भी देखे, जैसे आपने पहले पूछा था कैप्टन के बारे में भी, मैं इतना बोलूँगा पिछला मैच बिगेस्ट एग्जाम्पल है। विराट हमेशा लीड करके जिताते हैं और किसी और के लिए देते नहीं है, चलो तू जिता के दिखा। मगर उधर पिछले मैच में वो कैप्टन टेलेंडर को सिंगल लेके दे रहे थे, मैं तो यही लग रहा था कि वो डर के उसको नॉट आउट रहना है, वो कैप्टन नहीं होता, उस पूरी एंड तक जाके जिता के आना है वो कैप्टन होता है। तो विराट इज़ एट द राइट प्लेस। बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू देख के, क्योंकि इतना मैच्योर्ड कॉन्वर्सेशन, इतना मैच्योर्ड अप्रोच, बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू इंडिया। इससे एक चीज़ और भी ये मैसेज आ रहा है मनिंदर जी, कि सभी खिलाड़ियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं विराट कोहली, कि सिर्फ मुझ पर निर्भर मत रहो, रोहित पर निर्भर मत रहो, टॉप ऑर्डर पर निर्भर मत रहो, सारे लोगों को एक यूनिट की तरह काम करना है। इससे एक मैसेज और भी आ रहा है कि उन्होंने क्या किस तरह से बात की होगी अपने खिलाड़ियों से, ये भी पता चल रहा है, क्योंकि बड़े काम लग रहे थे, बड़े कलेक्टेड लग रहे थे और जो बोल रहे थे उससे एक चीज़ पता चल रही है कि इस टीम में काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी होमवर्क हुआ है। और विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने अपनी एक दो इंटरव्यूज में पहले भी कहा है कि वो सोचते रहते हैं कि किस बॉलर को किस तरह से खेलना है, किस बॉलर को किस तरह से खेलना है, क्या फील्ड प्लेसमेंट होगी, तो क्या बैट का एंगल रखना है, इतना तक वो सोचते हैं। सो ये मुझे लग रहा है जो उनकी बातें सुनिए कि इस पूरी टीम के साथ डिस्कशन हुआ है और सबको उनका क्या रोल है उसका एहसास दिलाया। बिल्कुल सोनल, आपको लगता है कि सबके रोल के बारे में विराट कह रहे हैं, कौन ज्यादा बड़ा रोल कल खेलेगा? वेल सर, मैं तो यही चाह रही हूँ कि पूरा टीम ही अच्छा खेले, बिकॉज दिस इज अ टीम गेम। तो मेरे हिसाब से अगर सब, विराट वाली बात नहीं की, अपनी बात कही है ये मेरी बात है, मेरा ये खुद का पॉइंट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर बात करें किसी सिंगल प्लेयर की, तो मैं चाहूंगी केएल राहुल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये मैच में। तो चाहते हैं कि सारे के सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी भी कल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अभी इन दोनों मैच में उन्होंने कुछ इतना वो नहीं किया खास, तो क्योंकि उनका मौका ही नहीं मिला, बाकी सारे खिलाड़ियों ने पहले कर लिया था। चलिए, मौका ही ना आए तो भी बेहतर है कि पहले ही इतने ज्यादा रन बन जाए या फिर टारगेट जो है अचीव हो जाए। वैसे मैनचेस्टर में कल भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाना है, और मैच से पहले दोनों टीमों की तैयारियां जोरों पर, और इन सबके बीच फैंस भी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। दुनिया के कोने कोने से टीम इंडिया और पाकिस्तान के फैंस लंदन पहुंच गए हैं, और ऐसे ही में भारत और पाकिस्तान के फैंस से बात की हमारे संवाददाता रवीश बिस्ट ने। 16 जून की तारीख है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, एक बड़ा मैच, एक ऐसा मैच जिससे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। असल में अब तक जो मुकाबले हो रहे थे वो ऐसे ही थे, असली मुकाबला तो अब है 16 जून को भारत और पाकिस्तान का मैनचेस्टर में। और हमारे साथ बहुत ही खास फैन मौजूद है, भारत के सबसे बड़े फैन, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े फैन सुधीर हैं, और इधर पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन हैं क्रिकेट चाचा, और साथ ही साथ सुकुमार हैं जो कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के सबसे बड़े फैन हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुधीर से जो कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े फैन हैं। सुधीर, बहुत दिनों के बाद भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, और इंग्लैंड वो सरजमी रही जहां हमने लीग मैच में उनको हराया था, चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में हार गए थे हम, एशिया कप में फिर हराया पाकिस्तान को, अब क्या होने वाला है? बस इंडिया जीतेगी, क्योंकि ये धोनी कैप्टन कूल, भले ही कैप्टन नहीं है लेकिन टीम में है नंबर 7, और ये ICC मतलब वर्ल्ड कप की 7वीं मैच है, तो हम चाहेंगे कि टीम इंडिया जीते। बस टीम इंडिया के शुभ आगमन के लिए मैं शंखनाद करूँ। बिल्कुल,